जशान खान ने फाइनली बाहर आने के बाद अब चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक ओपन लेटर शेयर किया है और उसमें उन्होंने बताया कि क्या उन्हें लगता है कि उनका एविक्शन जो था वो फेयर था। वो लिखते हैं, हाय गाइस, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद अ बिग थैंक यू। माय हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टुडे आफ्टर सीइंग सो मच सपोर्ट। वो आगे लिखते हैं, इट गिव्स मी इमेंस जॉय टू सी ऑल द वीडियो एंड मैसेजेस दैट यू गाइज हैव बीन सेंडिंग मी इनटू माय डीएम्स एंड टेलिंग मी हाउ आई स्टूड अप फॉर द राइट। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो मैंने किया सही ही था और मुझे जो आप लोगों ने डीएम किए हैं, मैसेजेस भेजे हैं, वो इस बात को प्रूव करते हैं कि आप लोग मेरे साथ हैं। वो आगे लिखते हैं, एंड दिस इटसेल्फ मींस अ लॉट टू मी, और मेरे लिए यही मायने रखता है। जाहिर सी बात है, ये रियलिटी शो है, तो उस रियलिटी शो में आप जो करते हैं, ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर आप शो में हो नहीं हो, ये नहीं। आप जानती हैं, बिग बॉस से उमर रियाज भले ही एविक्ट हो गए हो, लेकिन उमर रियाज के साथ जनता थी और उसको सपोर्ट किया और ये कहा कि उमर की गलती नहीं थी। आगे वो लिखते हैं, एंड ऑफ द डे विनिंग हार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दिल जीतना ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रियलिटी शो में यही बात मैटर करती है। आई वॉन्ट द हार्ट, मैंने आप मिलियंस ऑफ हार्ट जीते हैं और मुझे जो है बहुत मैं खुश हूँ। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो कुछ चीज़ें हैं वो हाथ से चली गई थी, मैं इस बात के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और मैंने इस बात के लिए घर के अंदर यानी कि लॉकअप में भी माफ़ी मांगी थी। इफ अब्यूज ऑन अ वुमेन इज रॉन्ग, आई स्टूड फॉर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन इन माई लाइफ हु वर बींग वर्बली एंड मेंटली अब्यूज फॉर 2 वीक्स एंड वर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी, अगर वुमेन की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, तो मैं भी 2 औरतों के लिए खड़ा हुआ जहां पर 2 हफ्तों से मेंटली जो है अब्यूज किया जा रहा था उन औरतों को जो मेरी जिंदगी में है, और वो वहां पर थी भी नहीं शो में। तो कहते हैं ना कि तलवार से ज्यादा धार जो है कलम में होती है। तो वो कहते हैं कि हेंस मेरे जो एक्शन है वर रॉन्ग, बट इवन द पर्सन इन दिस केस हर एक्शन ओवर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स वर रॉन्ग टू, कि हाँ मेरे एक्शन गलत थे, लेकिन इस पूरी चीजों में जो शख्स इन्वॉल्व था उसके भी तो एक्शन 2 हफ्तों से बहुत गलत थे। हम इक्वल वर्ल्ड में रहते हैं और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। तो बहुत ही सही बात उन्होंने कही है कि हम जो है इक्वालिटी की अगर बात करते हैं, तो इक्वालिटी जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो लड़के और लड़की दोनों को मिलना चाहिए। अगर जशान गलत है तो आजमा सही कैसे हो सकती है।